गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हे आर महबूब आलम। द न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इन दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ एनी फर्म। अगर कोई फर्म अच्छा प्रोडक्ट, यानी कि अच्छा प्रोडक्ट बनाता है या कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, तो जितना कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाएगा उतना ही कस्टमर बार बार वहां पर आएगा, और जितनी बार आपका प्रोडक्ट यूज़ होगा उतनी ही आपकी अर्निंग होगी और आपकी गुडविल बढ़ेगी। तो क्या है गुडविल? इज़ अ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म और पर्सन। तो कम टू द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देयर आर थ्री मेथड टू कैलकुलेट गुडविल। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड वन सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड वन कैपिटलाइजेशन मेथड। अब आता है कि कैपिटलाइजेशन मेथड में, पहले मैं एवरेज प्रॉफिट के बारे में बताता हूँ कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो इसकी गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं इस फॉर्मूले को। तो गुडविल इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर। इस फॉर्मूले से आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल आ जाती है। हाउ टू कैलकुलेट, देखिए, फर्स्ट नंबर वन, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म द फर्स्ट ईयर 1 लाख, सेकेंड 1,50,000, थर्ड 1,50,000, फोर्थ 50,000, एंड फिफ्थ 50,000। आपके कितने, देर आर 5 ईयर्स प्रॉफिट, द सम ऑफ दिस इट मीन्स 5 लाख। टोटल प्रॉफिट आया आपका 5 लाख रुपीज। नाउ वी नीड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट आपका 5 लाख एंड नंबर ऑफ ईयर 5, इट मींस 1 लाख इज द एवरेज प्रॉफिट। दिस इज द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। नाउ गुडविल इक्वल टू प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर। दिस वन फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इज 1 लाख इनटू परचेज ईयर। परचेज ईयर के क्वेश्चन में आपका दिया हुआ होता है कि इस गुडविल को इतने परचेज ईयर के बेस पर आपको कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी होता है। तो इट मीन्स सपोज कीजिए अगर कुछ नहीं दिया है तो वहाँ आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, जो भी है, लेकिन उसके लिए आपको नोट देना है। मान के चलिए कि इस क्वेश्चन में आपका जो परचेज ईयर गिवन है, परचेज ईयर इज 3 ईयर्स। परचेज ईयर जो है आपके 3 ईयर्स गिवन है, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो इट मीन्स 3 लाख इज द गुडविल ऑफ द फर्म। आपका कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड क्लियर। नाउ सेकंड मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट, देखिए, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ये आपका निकल के आया, टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दे, या आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब आता है नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। एक नॉर्मल रेट जो क्वेश्चन में गिवन होती है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो आपकी अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, इस क्वेश्चन सपोज कीजिए हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी, कैपिटल एम्प्लॉयड रखी आपकी 5 लाख रुपीज। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख इंटू रेट आपका, इसका जो रेट है आपका 10% क्वेश्चन में गिवन है,
10 upon 100. It means 50,000 is the normal profit. Now super profit, SP. सुपर प्रॉफिट इक्वल टू आपका जो मैंने बताया कि एसपी सुपर प्रॉफिट आपका फॉर्मूला आता है. देखिए ये ना एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका ये है आपका 1,00,000 रुपीज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट आपका 50,000. नाउ आपका 50,000 इज द सुपर प्रॉफिट. ये आपका क्या गया सुपर प्रॉफिट. वी नीड गुडविल इक्वल टू फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर. तो एसपी इनटू परचेज ईयर. तो सुपर प्रॉफिट आपका निकल के आया आपका कैलकुलेट 50,000 मल्टी परचेज ईयर आपका कितना 3 इयर्स है. 3 इयर्स इट मींस 1,50,000 इज द आंसर. इज इट क्लियर. आपका जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो आपका ये रहा और जो सुपर प्रॉफिट मेथड है वो आपका ये रहा. ध्यान से दोनों मेथड आपके क्लियर होने चाहिए. अब आते हैं हम थर्ड वन कैपिटलाइजेशन मेथड. देखिए अब कैपिटलाइजेशन मेथड पहले इसको नोट कर लेना आप. कैपिटलाइजेशन मेथड कैपिटलाइजेशन में आपके टू मेथड्स हैं कि दो मेथड से आपका कैपिटलाइजेशन मेथड से आपका गुडविल कैलकुलेट किया जाता है. फर्स्ट वन इज कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड वन कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड. कि दोनों मेथड से यानी कि आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी और सुपर प्रॉफिट के मेथड से भी. लेकिन पहले इससे पहले आपको उसकी कैपिटलाइज करनी पड़ेगी तब आपका यह आपका गुडविल कैलकुलेट होकर के आएगा. उसके बताता हूँ. देखिए देखिए फर्स्ट वन कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट. एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है 1,00,000 इंटू 100 अपॉन रेट कितना था आपका 10%. इट मींस आपका कितना आया 10,00,000. 10,00,000 इज द कैपिटलाइज वैल्यू. नाउ गुडविल इक्वल टू देखिए मैंने यहां पर ऐड किया गुडविल कैलकुलेट करने कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉय. तो कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटलाइज वैल्यू आपकी कितनी कैलकुलेट होकर गई 10,00,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 5,00,000 रुपीज. इट मीन्स 5,00,000 रुपीज इज द गुडविल. ये आपका फर्स्ट मेथड आया कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड. सेकंड वन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड. देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट. यहाँ जैसे हमने यहाँ पर किया कैपिटलाइज वैल्यू निकाली थी यहाँ सुपर प्रॉफिट का अगर बेस पे करते हैं तो हम कैपिटलाइज वैल्यू नहीं निकालते हैं बल्कि डायरेक्ट ही आपकी गुडविल आती है. गुडविल इक्वल टू एस पी इंटू 100 अपॉन रेट. तो एस पी कितना आपका सुपर प्रॉफिट निकल के आया था आपका 50,000. 100 अपॉन 10 क्लियर. इट मीन्स 5,00,000 रुपीज द आंसर. तो यहां देखिए इन दोनों मेथड में ध्यान से मैं समझा रहा हूं दोबारा रिपीटिंग दिस क्वेश्चंस.
अगर हमें इस मेथड से बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेशन मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है तो आपको यहाँ से ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी जिसका फॉर्मूला आपका एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट है। तो 1 लाख 100 अपॉन 10 इंटू 10 लाख रुपीज ये आपका क्या है कैपिटलाइज वैल्यू। नाउ गुडविल कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड तो इसमें से अगर इसको माइनस किया तो आपकी आपकी गुडविल आ गई इस मेथड से। अगर इस मेथड से निकालनी सुपर प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन से तब आपको डायरेक्ट गुडविल निकालनी पड़ेगी। इसमें कैपिटलाइज वैल्यू नहीं निकलती बल्कि डायरेक्ट गुडविल ही कैलकुलेट की जाती है इस फॉर्मूले से कि एसपी इनटू 100 अपॉन रेट। तो एसपी हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर 50,000 इनटू 100 अपॉन 10 यानी कि 5 लाख रुपीज आपका क्या आया गुडविल आ गया। तो इस तरह से हमारी ये कितनी 3 मैथड है आपके टू कैलकुलेट गुडविल। ओके थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।